क्या स्टैंड है लोगों का? देखिए, हर राजनीतिक दल का, और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ, हर राजनीतिक दल के अपने एजेंडे रहते हैं, उनकी अपनी नीतियाँ रहती हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज रहती हैं। हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर राजनीतिक दल जो बातें बोलेगा उससे हम लोग सहमत हो। ये शिवसेना की अपनी पॉलिसी हो सकती है, उनकी अपनी नीतियाँ हो सकती हैं। जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात रही है, हम लोगों ने हमेशा हर धर्म को अपनाने की, उसका पालन करने की आज़ादी से हम लोग हमेशा सहमत रहे हैं। जिसको अपने धर्म को जैसे निभाना है, उसका जैसे पालन करना है, भले वो वेशभूषा के आधार पर हो या परंपराओं को निभाने के आधार पर हो, व्यक्ति को उस धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिद्धू ने कहा जा रहा है क्या, ये उनकी अपनी रणनीति हो सकती है। मैं अधिकृत हूँ लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए, ये शिवसेना के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि पीएम मोदी की रैली होनी है अयोध्या में, उन्होंने कहा है कि मोदी अयोध्या चले जाए फिर भी राम उनको नहीं मिलेगा। ये उनकी सोच हो सकती है, मैं क्या बोलूँ। रोज़ मेरे छोटे भाई कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसका परिप्रेक्ष्य मेरी समझ में नहीं आता। अयोध्या जाना और राम उनको आशीर्वाद नहीं देंगे, ये कहाँ से दो बातें। वहाँ पर वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम से जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद देने जा रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिद्धू ने मंच से कहा है चुनाव प्रचार के दौरान कि मोदी देशद्रोही है। सिद्धू जी भी आजकल, जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे लोग पार्टियां बदलते हैं उनकी सोच भी बदल जाती है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से शत्रु जी ने भी पार्टी बदली, जाते ही उनको जिन्ना वहां पे याद आने लग गए। अब जब तक सिद्धू जी यहां पर थे तब तक मोदी से बड़े देशभक्त उनको और कोई नहीं दिखते थे, उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते थे। अब जैसे ही वो उस तरफ गए हैं तो अब उनको मोदी जी में ये सारी बातें देखने को मिल रही है। बहरहाल मुझे लगता है चुनाव है, चुनाव के वक्त ऐसी बातें उछलती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चुनाव की एक भाषा की मर्यादा, देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें आप करें, और वो भी सिद्धू जी जैसे व्यक्ति जिनको कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि शायद थोड़े जानकार हैं, भाषा का चयन वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, शब्दों की पहचान उनको है, पर जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि चुनाव के लिए आप राजनीति का स्तर आप इतना नहीं गिरा सकते। अच्छा, उमा भारती ने कहा है कि राहुल जो हैं वो नकली गांधी हैं और मोदी असली गांधी हैं। अरे मुझे नहीं पता नकली गांधी असली गांधी कौन होते हैं और क्या पैरामीटर्स हैं, पर उमा जी ने कहा है, मुझे लगता है वो उसको बेहतर क्लैरिफाई कर सकती हैं।